क्या हमारा यूएन में कोई दिक्कत आ गई है या फिर ये एक वेबसाइट का एरर है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ इस तरीके का एरर अभी देखने को मिल रहा है, जैसे रिक्वेस्ट ओटीपी आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि ये कुछ इस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है। इसका क्या मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुख्य रूप से कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों के कमेंट के द्वारा ही बताया गया है। देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे होम पेज पे आ जाऊंगा। तो सबसे पहला जो कमेंट आया है कि सर यहाँ पे डेट ऑफ एग्जिट कर रहे हैं तो वो मार्क नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, डेट ऑफ एग्जिट मैं यहाँ पे फटाफट सेलेक्ट कर लेता हूँ और करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक एरर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद से यहाँ पे चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एरर देखने को मिल जाएगा। ये वाला एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि डेट ऑफ एग्जिट नहीं हो पा रहा है। और फ्रेंड्स उसके बाद से काफी लोगों ने कमेंट किया कि सर पैसे वैसे निकाल लें तो भी देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स इसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज पे जाते हैं और क्लेम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करके देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर एंटर कर लिया है, वेरीफाई कर लेंगे, यस कर लेंगे और उसके बाद से सबसे नीचे की साइड जाएंगे, प्रोसेस कर देंगे। प्रोसेस करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्लेम फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे और सारा डिटेल्स यहाँ पे फटाफट हम फिल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स बिल्कुल ठीक ठीक एंटर कर लिया है और उसके बाद चेकबॉक्स पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे गेट आधार ओटीपी करेंगे। तो यहाँ पे अब आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला एरर यहाँ भी देखने को मिल चुका है, सेम एरर यहाँ भी लिखा हुआ आ गया है। और फ्रेंड्स उसके बाद से पासवर्ड फॉरगेट आप करोगे तो भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे लॉग आउट करके मैं यहाँ भी देखने को मिल दिखा देता हूँ पासवर्ड फॉरगेट करके। और फ्रेंड्स यहाँ पे गेट ओटीपी जैसे ही करेंगे तो यहाँ भी अब आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे एक एरर मैसेज देखने को मिल गया है, फेल टू सेंड ओटीपी प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हालांकि फेल टू सेंड ओटीपी करके आ रहा है एरर, लेकिन अन्य जगह पे आपको जो है एरर देखने को मिल रहा है वो ये वाला देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे कि अमन ने बता रहा था तो काफी लोग डर गए थे कि हमारे यूएन में कोई दिक्कत तो नहीं है, काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए जो एरर है इसका मतलब ये है, जो यूएन की तरफ बताया जा रहा है ईपी की तरफ से, कि एरर डिजिटल हस्ताक्षर में अमान्य की जानकारी। इसका अर्थ है कि ओटीपी रिक्वेस्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयोग किया गया सर्टिफिकेट मान्य नहीं है, या तो समाप्त हो गया है या AUA के संबंधित नहीं है या किसी CA के द्वारा नहीं बनाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये एक एरर है एक तरीके का, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका डॉक्यूमेंट फेल हो गया है यहाँ पे बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में जैसे ही ये एरर ठीक हो जाता है तो मैं आपको एक वीडियो माध्यम से बता दूंगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हो सकता है कि एक दो घंटे बाद ये एरर सही हो जाए, एक दो दिन बाद सही हो जाए, हालांकि पिछले दो दिनों से ये एरर तो देखने को लगातार मिल रहा है। अभी ये कितने दिनों तक जाता है वो मैं नई वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो क्लिक सबसे पहले आप तक पहुंचा करेगा। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। फ्रेंड्स आप भी समझ पाए होंगे कि ये जो भी एरर देखने को मिल रहा है ये आपको ही नहीं काफी लोगों को देखने को मिल रहा है और काफी जगह भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये एक तरीके से वेबसाइट का ही एरर है। फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।